नमस्कार, मैं हूँ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया न्यूज चैनल। आइए शुरू करते हैं आज की खबर। शीशे की दीवार से होगी विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर की सुरक्षा, जिलाधिकारी ने लिया जायजा। बोधगया विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के जायजा लेने पहुंचे जिलाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह और वरीय पुलिस अधिकारी। महाबोधि मंदिर की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही सुरक्षा में कोई चूक नहीं हो, जिसके लिए शीशे की दीवार लगाने की तैयारी को देखकर कई दिशा निर्देश दिए। विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर आतंकियों ने निशाने पर हमेशा रहता है। बीते दिनों गया के बुनियादगंज थाना क्षेत्र के पठान टोली मोहल्ले से एक आतंकी की गिरफ्तारी के बाद से मंदिर सुरक्षा कर्मियों को कई दिशा निर्देश दिया गया। गया में आगामी 12 सितंबर से विश्व प्रसिद्ध मेला पितृपक्ष की मेला शुरू होगा। पितृपक्ष मेला के दौरान पिंडदानियों की काफी आवागमन रहता है। प्रवीण ओझा, ब्यूरो समाचार इंडिया न्यूज। यहाँ से 7 फीट का है घर, इसके ऊपर में और एक स्टेनलेस स्टील का देंगे, ग्लास को पैक रखेंगे। शीशे की दीवार लग रहा है, उस क्या उसकी लागत है, कितनी की परियोजना है? देखिए, काफ़ी दिनों से इसकी हम लोगों को आवश्यकता महसूस हो रही थी और जो सुरक्षा एजेंसी हैं उनका भी एक ये सुझाव था कि बोधगया में जो आगमन का जो पथ है वो जो बाइफर्केटेड है, जिसमें एक तरफ महाबोधि मंदिर में लोग जाते हैं और दूसरा गांधी चौक से लोग आते हैं, तो उसको उसके बीच में एक सुरक्षा की दृष्टि से एक पार्टीशन करने की आवश्यकता है। और वो पार्टीशन के लिए एक इस तरह की कांच की दीवार रहे जिससे कि दोनों साइड देखा भी जा सके, मजबूत भी रहे, और उसी साथ ही उसमें से किसी भी तरह से अनधिकृत चीज़ें पास न की जा सकें, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो या अन्य हो, जिससे कि जो महाबोधि का परिसर है पूरी तरह से वो सुरक्षित रह सके। उसी के आलोक में करीब 8 महीना पहले इसके लिए एक प्रस्ताव बनाया गया और टेंडरिंग किया गया, और उस टेंडरिंग के बाद से महाबोधि BTMC की तरफ से पुल निर्माण निगम को यह कार्य दिया गया देखने का कि इसके सुपरविजन में कार्य हो, और अब यह कार्य हो रहा है। ये पूरा कार्य करीब 86 लाख का है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगले टूरिस्ट सीजन के पहले ये कार्य पूर्ण हो जाए और इसका लाभ मिले।